नमस्कार दोस्तों, पसंद शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एशियंट हिस्ट्री का ट्रिक सेक्शन में सेकंड टॉपिक तक चलते हैं, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कल। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, कल हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल का उत्खनन के लिए बारे में पढ़ा था, उत्खनन करता कौन कौन है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो में जो भी स्थल पाए गए हैं वो किस नदी किनारे बसे हैं उनके बारे में हम लोग आज हैं ट्रिक के माध्यम से याद करने का कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग इस ट्रिक को याद करते हैं। इस ट्रिक को याद करने से पहले एक कहानी आपको है, आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको पूरा ट्रिक याद हो जाएगा। जैसे देखिए, एक दो औरत है, उसमें एक मौसी है जो बहुत ही लोभी है, उनकी फ्रेंड एक है रमा, बहुत क्लोज फ्रेंड है, और मौसी जो है बहुत लोभी है, और मौसी नहीं किसी भी औरत को श्रृंगार करने का बहुत शौक होता है। तो मौसी के पास एक मोती जड़ित कंघा था, जो कंघी से बाल झाला जाता है, वो कंघा था, और मोती जड़ित कंघा रमा ने चुरा लिया। जैसे ही रमा ने चुरा लिया तो मौसी बहुत गुस्सा हो गई, रोष में आ गई, और रोष में आकर रमा को बस से कुचल कर जान मार दिया। तो यही ट्रिक है आपका। ट्रिक क्या था? लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने चुरा लिया तो वो रोष में आ गई, मौसी रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। कहने का सेंस ये है कि मौसी गुस्सा में आई, जब रमा ने चुराया तो मौसी गुस्सा में आई और गुस्सा में आकर के रमा को बस से कुचल दिया। तो आइए हम लोग अब ट्रिक के माध्यम से इसे हम लोग याद करते हैं। क्या है पहला ट्रिक है इसमें? लोभी। लोभी, लोभी का पहला अक्षर है लो, लो से लोथल, और भी से भोगवा, यानी कि लोथल नदी भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा होता है मौसी। मौसी में मो से होता है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सी से सिंधु। हला देखिए, ह से हड़प्पा, और रा से रावी, ठीक है। कन से कालीबंगा, क से क्या हो गया? कालीबंगा। और धा से धग्गर, धग्गर नदी है, यानी कालीबंगा धग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। रमा, र से रंगपुर, रंगपुर जो बसा हुआ है मादिर या मादर, मा से र से रंगपुर, मा से मादर या मादर बोला जाए, कहीं कहीं मादर लिखा मिलेगा आपको, या कहीं कहीं मादर मिलता है, ठीक ना। तो आपको इस तरह से आपको पता चल जाएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। रोस, रोस, रोस से रोपण, स से सतलज, ठीक है, यानी कि रोपण सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। बस, बस से ब में बनमाली, बनमाली स्थान है, और जो वो है जो सरस्वती या रंगोई नदी, कहीं कहीं सरस्वती नदी मिलता है लिखा हुआ, कहीं कहीं रंगोई नदी मिलता है। तो आपको जो भी दोनों में से ऑप्शन उपयुक्त लगे वो टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग दोबारा एक बार देख लेते हैं। लोभी, लोभी में लो से लोथल, भी से भोगवा, यानी लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। मौसी में मो से मोहनजोदड़ो, नदी है सिंधु, यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हरा, ह से हड़प्पा, और रा से रावी, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कंघा, कंग से कालीबंगा, स्टार्ट, घग्गर, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। रमा, र से रंगपुर, मा से मादे या मादर। रोस, रोस से रोपण, अस से सतलज।
वसे बनमाली और सौ से सरस्वती या रंगोई। अब हम लोग आइए सिंधु नदी पे स्थित, हम लोगों ने अभी सिर्फ सिंधु नदी पे एक एक स्थल पड़ा मोहनजोदड़ो, लेकिन आपको पता होना चाहिए सिंधु नदी पे तीन स्थल बसे हुए हैं। तो सिर्फ सिंधु नदी पे हम लोग पढ़ेंगे, सिंधु नदी पर स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन से हैं? तुमको याद रखना है, ठीक, क्या रखना है? चमको सिंधु। क्या याद रखना है? चमको सिंधु। च से चहुंदड़ो, म से मोहनजोदड़ो और को से कोट दीजिए। याद हो गया? दोबारा देखिए, च से चमको, सॉरी चमको सिंधु, ठीक क्या है? चमको सिंधु। च से चहुंदड़ो, म से मोहनजोदड़ो और को से कोट दीजिए। याद हो गया दोस्तों? ये था नदी के किनारे बसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। जो एग्जामिनेशन में आते हैं क्वेश्चन, वो आपको पूरा हम ठीक याद करवा दिया। और आपको एक या दो बात सिर्फ आपको ध्यान में बैठाना है, गौस देखिए और सब याद हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो हम लोग अगले वीडियो के लिए आएंगे। आप से अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो को आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।